हेलो एवरीवन माय नेम इज रिद्धि इस लेक्चर में हम लोग पी ऑप्शनल पेपर टू सेक्शन ए के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं और पिछले 40 सालों में उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम एनालिसिस कर रहे हैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पेपर रिपीट नहीं होता है बट ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में चाहे वो कितना बड़े से बड़ा एग्जाम हो या छोटे से छोटा एग्जाम हो हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत मेजर रोल रहता है उससे आपको ये पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं किस uh, कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जो रेपिटेटिव रहते हैं कौन से टॉपिक्स पे आपको प्रिपेयर करना है और टॉपिक्स के अंडर भी सब टॉपिक्स कौन से होंगे जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो उन लाइन्स पर हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी होती है ठीक है तो यहाँ पर भी वही सिमिलर टॉपिक्स पर ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं मोरोलेस वही सेम ही क्वेश्चन हैं कई तो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो डिस्कस द मेन लिमिटेशन ऑफ द कंपेरेटिव मेथड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस दस नंबर का क्वेश्चन है तो लिमिटेशंस बता रहे हैं कंपेरेटिव मेथड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर टू यूनिट वन में क्वेश्चन मिलेगा और रिपीटेटिव क्वेश्चन है लिमिटेशंस पर पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दिस इज पेपर टू यूनिट वन पॉलिटिकल साइंस पेपर टू यूनिट वन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है तो इसमें आप यूनिट का नाम भी पढ़ोगे तो नाम में भी अगर आप जैसे जितने भी टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके जाने होते हैं सबसे पहले आप सिलेबस देखते हो ये हमने हर लेक्चर में बात की है के दो चीज़ें ध्यान रखनी है एक सिलेबस आप करोगे प्रिपेयर और पी वाई क्यूज ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है दोनों चीज़ों से आपको पता लग जाएगा तो सबसे पहले सिलेबस के टॉपिक्स तो आपको प्रिपेयर करके जाने ही पड़ेंगे जैसे नेचर एंड मेजर अप्रोचेज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिकल सोशोलॉजी परस्पेक्टिवस देन लिमिटेशंस ऑफ़ द कंपैरेटिव मेथड इस पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया ना तो इसलिए सिलेबस के टॉपिक करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनफैक्ट आप देखोगे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ सिलेबस के टॉपिक से ही उठा लिए डायरेक्ट और कहीं से पूछे भी नहीं है इधर उधर या कुछ ऐसा घुमा के भी नहीं पूछा डायरेक्ट सिलेबस के टॉपिक्स उठाए हैं अब टॉपिक्स के अंडर भी कैसे क्वेश्चन आएंगे उससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं तो अभी इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ़ द कम्पेरेटिव मैथड में अभी दो हज़ार बाईस में तो मेन लिमिटेशन ऑफ़ द कम्पेरेटिव मैथड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट आप दो हज़ार बीस में देखोगे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन uh, दिया था कि डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आउटलाइन द लिमिटेशंस ऑफ कम्पेरेटिव पॉलिटिकल सिमिलर क्वेश्चन है लिमिटेशन पर ही बात की हुई है अब 2019 में भी फिर क्वेश्चन आया था तो 19, 20, 22 आप देख लो कैसे रिपीट हो रहे हैं सिग्निफिकेंस पूछा गया था उसके बाद डिस्कस इट्स लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड इन पॉलिटिकल एनालिसिस सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो ये तीन क्वेश्चन तीन साल में पूछे गए हैं कि 2019 में 20 में अब 22 में भी पूछ लिया है तेईस में भी पूछ लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेस बाय द डेवलपिंग कंट्रीज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन पेपर टू यूनिट टू का ये क्वेश्चन है चैलेंजेस बताने हैं जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस करती हैं ग्लोबलाइजेशन में अब ये थोड़े से नए एस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दो हज़ार बाईस में मॉडर्न स्टेट कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन दी एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंडर हमने ये डाला है यूनिट टू सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिट टू का टाइटल है स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव इसमें जितनी भी स्टेट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ में कैसी थी उसकी कैरेक्टिस्टिक्स नेचर क्या था चेंजिंग नेचर ऑफ़ द स्टेट इस सब के बारे में पूछा गया है देन एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ के बारे में पूछा गया तो इस कंटेक्स में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था फिर फर्दर मॉडर्न स्टेट को एवोल्यूशन और नेचर ऑफ़ स्टेट ठीक है यहाँ पर ये पूरा जितना भी है ना कैरेक्ट्रिस्टिक्स चेंजिंग नेचर ऑफ़ स्टेट इन कैपिटल सोशल इकोनॉमी ये सारे आ, इसके सब टॉपिक्स इसके अंडर आ जाएंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडर्न स्टेट इसके अंडर हमने ये डाला है कि मेन चैलेंजेस जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा फेस किए गए हैं ग्लोबलाइजेशन में अब एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा बट डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ग्लोबल इकॉनमी के कंटेक्स में क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी जैसे यहाँ पर पूछा गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ग्लोबल इकॉनमी के कंटेक्स में चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट पूछा गया है डेवलपिंग सोसाइटीज़ में ठीक है कि इन द कंटेक्सट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो ऑलमोस्ट उस कंटेक्सट में पूछा गया आपको आइडिया लग सकता है अगर कोई ये पार्ट करके गया है तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ छोड़ के आएगा तो ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो ठीक है तो इतना भी नया क्वेश्चन नहीं है थोड़ा सा टॉपिक सिमिलर है बस थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है और कुछ नहीं है अब नेक्स्ट है डिस्कस द कॉमोनालिटीज़ बिटवीन द मार्क्सिस्ट एंड रियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मार्क्सिस्ट रियलिस्ट अप्रोच तो यूनिट के ही पार्ट है और इस पर काफ़ी क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं तो मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में लिखना है आपको रियलिस्ट अप्रोच के बारे में लिखना है इनकी कॉमोनॉलिटीज़ देखनी है बेसिकली तो आप मार्क्सिट और रियलिस्ट अप्रोच अगर कोई पढ़ के गया है कॉमोनालिटीज़ लिखना आसान है ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी कोई ऐसा मतलब नए नया टॉपिक नहीं है पेपर टू यूनिट फाइव में आपको ये मिल जाएगा और ये जब भी मैं आपको बताती हूँ कि पेपर टू यूनिट फाइव है या पेपर टू यूनिट टू है इसका मतलब ये है कि आप जैसे सिनॉपिसाइस की वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर आपको बुकलेट मिल जाएगी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो उसी में ही आप देखना कि पेपर टू में यूनिट फाइव के अंडर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी बुकलेट है ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी यहाँ आप जाओगे ना सिनोपिसजाइस डॉट इन में ऑप्शनल्स में पी एस आई आर ऑप्शनल पर क्लिक करना आप तो ये पस ऑप्शनल के रिगार्डिंग जितना भी मटेरियल आपको चाहिए या जो भी इन्फॉमेसन चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगी यहाँ पर फ्री मटेरियल में आप क्लिक करना तो ये पी ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट है यहाँ से आप डाउनलोड कर देना हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है तो आप ले सकते हो और पूरा कोर्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है तो कोई भी इंफॉमेसन चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो दिस इज़ यूनिट फाइव यूनिट फाइव के टॉपिक का ही पार्ट है इन फैक्ट ये अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आइडियलिस्ट रियलिस्ट मार्क्सिस्ट फंक्शनिस्ट एंड सिस्टम्स थ्योरी तो यहाँ पर क्या यूनिट का ही तो पार्ट तो है मतलब नाम ही है तो सिलेबस अगर आप करके गए हो पढ़ के गए हो सलेबस के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करके गए हो तो अटैम्पटेबल क्वेश्चन है ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप अगर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यहाँ पर मार्क्सिस्ट अप्रोच देखोगे तो मार्क्स अप्रोच पर तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑलरेडी ठीक है रेलिवेंस ऑफ मार्क्सिस अप्रोच इन द कंटेक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मार्क्स अप्रोच कंटेप्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन फिर मार्क्सिस अप्रोच स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ऑन इकनॉमिक रिडक्शनिज्म दैन मार्क्स अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अभी ये इकनॉमिक रिडक्शनिज्म के बारे में अगर आपको इस कंटेक्स में लिखना हो ये थोड़ा सा आप डिफिकल्ट मान सकते हो अदरवाइज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही हैं सारे है ना तो यहाँ पर अभी रियलिस्ट अप्रोच पे भी सेम वही है कि रियलिस्ट अप्रोच पे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस बार तो 2022 में दो क्वेश्चनस अराउंड आए हैं यहाँ पर तो रियलिज़म पर भी again, क्लासिकल रियलिज़म देन अगेन क्लासिकल रियलिज़म रियलिस्ट अप्रोच ठीक है ये सारे क्वेश्चन रियलिज़म पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं तो इस बार भी कुछ ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन कोई भी पूछा हुआ है रियलिज्म न्यू रियलिस्ट अप्रोच पूछी नही है रियलिस्ट थ्योरी क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है रियलिस्ट थियोरी मेन अजम्पशन रियलिज्म ठीक है तो काफ़ी बार पूछा हुआ है न्यू क्वेश्चन नहीं है अब 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है वो भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है डिस्कस द कॉमनलिटीज़ बिटवीन द मार्क्सिस एंड रियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो कोई अगर अच्छे से प्रिपेयर करके गया है मार्क्सिस रियलिस्ट अप्रोच तो कॉमनलिटीज़ लिखनी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है अटैम्पटेबल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इज मोस्ट स्टेबल दैन द मल्टीपोलर वन कॉमेंट तो बाइपोलर स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है कि बाइपोलर स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है मल्टीपोलर स्ट्रक्चर से ये कमेंट करना पेपर टू यूनिट सेवन में ही क्वेश्चन मिलेगा आपको दिस इज़ यूनिट सेवन चेंज इन इंटरनेशनल पोलिटिकल ऑर्डर इसमें सिलेबस का ही पार्ट है राइज ऑफ सुपर पावर्स दैन स्ट्रैटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बायपोलारिटी तो अगेन सिलेबस में से ही क्वेश्चन उठाया है आर्म्स रेस कोल्ड वॉर न्यूक्लियर थ्रेट वगैरह ये सारे सब टॉपिक्स हैं इसके इसी पर्टिकुलर टॉपिक के तो अभी इस यूनिट में बाइपोलारिटी में राइज ऑफ सुपर पावर्स में आप देखोगे तो आ, ये 2022 के अलग क्वेश्चन है तो वो हम डिस्कस करेंगे एक बार आ, ये वाले क्वेश्चन हो जाए तो दो हज़ार में स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बायपोलारिटी इस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट है ये बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इज मोस्ट स्टेबल दैन द मल्टीपोलर वन कॉमेंट तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत घुमा के नहीं पूछा है या कुछ ऐसा नहीं पूछा है डायरेक्ट uh, सिलेबस के टॉपिक में से ही पूछा बाइपोलर होता है बेसिकली जैसे कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दो तरीके के uh, ऐसी पावर्स बन गई थी जिनके पास ज़्यादातर पॉलिटिकल पावर आर्म्स वगैरह सारी सारे जो इकनॉमिक uh, पावर है पॉलिटिकल पावर है वो सारी दो स्टेट्स के बीच में जब डिवाइड हो जाती है बहुत सारी स्टेट्स जब हेल्ड करती हैं तो मल्टीपोलर हो जाता है जब दो स्टेट के बीच में डिवाइड होती है बाय तो बाईपोलर हो जाएगा तो बाईपोलर स्ट्रक्चर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ज़्यादा स्टेबल रहता है राधन के पावर बहुत सारे लोगों के पास हो जाती है वो चीज़ है ठीक है तो अब यहाँ पर बहुत सारे फर्दर कोश्चन्स इसमें पूछे हुए हैं तो वो भी आप देख सकते हो अलग अलग लोगों की फ़ॉरन पॉलिसी वगैरह ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इंटरेस्ट पे है कि नेशनल इंटरेस्ट इज एन एसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट कॉमेंट पेपर टू यूनिट सिक्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अब ये पर्टिकुलर टॉपिक भी नया नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और दूसरी चीज सिलेबस का भी ये पार्ट है ये टॉपिक की कंसेप्ट इंटरनेशनल रिलेशन नेशनल इंटरेस्ट तो पहला ही टॉपिक है तो सिक्योरिटी एंड पावर बैलेंस ऑफ पावर डेटरेंस वगैरह काफ़ी सारे हैं बट नेशनल इंटरेस्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया गया तो एक बार देख लेते हैं कि और कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं जैसे तो नेशनल इंटरेस्ट इज़ एन असेंशली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट ये तो 2022 में पूछा है फिर 2016 में भी क्वेश्चन पूछा था इंस्ट्रूमेंट मेथड्स कौन से हैं प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के नेशनल इंटरेस्ट आर डायनामिक तो डायनामिक नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पर पूछा गया है ठीक है उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट बी व्यूड वी एज अ कॉन्स्टेंट कैटेगरी और इज़ इट सिचुएशन स्पेसिफिक 2010 में क्वेश्चन पूछा है 2004 में पूछा है रियलिस्ट वेजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 2001 में भी पूछा था नेशनल इंटरेस्ट नेशनल प्रेक्रिटी एक्ट तो मतलब काफ़ी पूछा नाइन्टी में पूछा था नेशनल इंटरेस्ट आइडियोलॉजी पर ठीक है तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं नेशनल इंटरेस्ट केपेबिलिटी नाइन्टी थ्री में पूछा है तो ये बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं नेशनल इंटरेस्ट पे तो आप ये देख सकते हो मतलब कि Uh, नया क्वेश्चन नहीं है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज़ द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑगमेंटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इलेक्टरल डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैसे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ने डेमोक्रेटिक uh, प्रोसेस में लोगों का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ाया है ठीक है तो यहाँ पर पेपर टू यूनिट इलेवन में आपको ही मिलेगा अब यहाँ पर यूनिट इलेवन में डेमोक्रेसी ऑलरेडी टॉपिक है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स में डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स एनवायरनमेंट जेंडर जस्टिस टेररिज्म न्यूक्लियर पॉलिफ्लेशन वगैरह तो डेमोक्रेसी के अंडर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी जैसे आ, एक्जैक्टली exactly नहीं पूछा है बट हाँ सिमिलर क्वेश्चन पूछे हैं बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर करके गए थे और सिनाप्स के नोट्स भी प्रिपेयर करके गए थे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हाउ वज द इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी ऑगमेंटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ये जैसे क्वेश्चन रहा है अब यहाँ पर इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी ने कैसे मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाया है लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें तो दो हज़ार इक्कीस में भी क्वेश्चन पूछा था स्टेबल डेमोक्रेसी के ऊपर कि कैसे इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पर आई है तो उसका सक्सेस के बारे में आपको बताना है एक एक्सेप्शनल केस है इंडिया तो इस कंटेक्स में अगर बात की हुई है तो ऑब्वियसली आप डेमोक्रेसी के ऊपर कि कैसे पार्टिसिपेशन ऑफ लोग पीपल बढ़ रहा है तो ऑल एंड ऑल यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का या इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी का एडवांटेजेस बताने हैं बेसिकली ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर भी सिमिलर लाइंस पर ही आप पॉइंटर्स जितने भी लिखोगे वही सेम पॉइंटर्स 2022 के क्वेश्चन में भी आएंगे अब 2019 का भी क्वेश्चन था कि डेमोक्रेसी प्रमोशन इन डेवलपिंग कंट्रीज अ फिजिबल आइडिया इसमें भी जो पॉइंटर्स आएंगे वो भी अगेन 2022 के क्वेश्चन में आएगा फिर 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी हैज़ बीन मार्क्ड बाय बिटर स्ट्राइफ एंड ट्रिबुलेशन एग्जाम इन द स्टेटमेंटिंग द केसेज ऑफ पाकिस्तान नेपाल म्यांमार ये क्रिटिसिजम्स में आप इसके कुछ पॉइंटस डाल सकते हो बट मोर लेस आपके सिमिलर लाइंस पर रहेंगे 2022 का 21 का और 19 का क्वेश्चंस इसके जितने भी पॉइंटस रहेंगे 2022 के क्वेश्चन में आप डाल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन डेवलपिंग सोसाइटीज़ तो सोशल मूवमेंट्स का रोल बताना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इनफैक्ट सिलेबस का भी पार्ट है ये और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं सोशल मूवमेंट पर तो डेमोक्रेसिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे स्ट्रेंथन कर रही है सोशल मूवमेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में उसके बारे में बोला गया है पेपर टू यूनिट थ्री में हम देखेंगे इसको तो यूनिट थ्री है पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स इन एडवांस एंड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ ठीक है एडवांस इंडस्ट्रियल डेवलपिंग सोसाइटीज़ में सोशल मूवमेंट का क्या रोल है तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये सिलेबस का ही टॉपिक है तो ये सीधा सिलेबस के टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है तो नया क्वेश्चन नहीं पूछा है सबसे पहले तो अब सोशल मूवमेंट्स इन एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा था न्यू सोशल मूवमेंट्स के बारे में इन डेवलपिंग कंट्रीज़ ठीक है फिर एल uh, के बारे में पूछा गया है तो एक काइंड ऑफ एक सोशल मूवमेंट चली थी तो उसके बारे में ही पूछा गया कि डेवलप सोसाइटी में और फिर उसका पोलिटिकल पार्टिसिपेशन जो रहा है डेवलपिंग सोसाइटीज़ में उसको कैसे अफेक्ट कर रही है तो ये भी रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स के बारे में बताता है डेवलपिंग सोसाइटीज़ में बट हमें ये जानना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा दो का उसके जो पॉइंटर्स होंगे वो सिमिलर पॉइंटर्स दो वाले क्वेश्चन में एड ऑन होंगे नेक्स्ट चीज़ अब यहाँ पर आ, जो 2016 का क्वेश्चन है इसके भी जो पॉइंटर्स हैं वो भी आप 2022 के क्वेश्चन में एड ऑन कर सकते हो कैसे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया उसके बाद पूछा है वेदर न्यू सोशल मूवमेंट शैल बी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी फॉर स्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर है 2022 के क्वेश्चन से फिर 2014 में पूछा हो गया था कि इन वॉट रिस्पेक्ट इज़ द न्यू सोशल मूवमेंट न्यू इन नेचर डिस्कस दो हज़ार तेरह में भी पूछा था राइज ऑफ सोशल मूवमेंट एज अ साइन ऑफ ओपनिंग अप ऑफ पॉपुलर स्पेस इन पॉलिटिकल प्रोसेस और डिक्लाइन ऑफ रिप्रजेंटेटिव पॉलिटिक्स एग्जाम इन अगेन तो ये जो पॉइंटर्स हैं इनके वो मोरलेस सिमिलर ही रहेंगे दो हज़ार तेरह में पूछा था कम्पेयर इन कंट्रा सोशल मूवमेंट एंड एडवांस एंड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटी बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेबस का ही टॉपिक उठा के पूछ लिया तो यहाँ पर क्या है सिलेबस के टॉपिक्स करके जाने जरूरी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूरी हैं तो जितने भी पॉइंटर्स हैं ना यहाँ पर आप ये डाल दोगे 2022 के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व रोल ऑफ सोशल मूवमेंट बताना है कैसे रोल ऑफ सोशल मूवमेंट ने डेवलपिंग सोसाइटीज़ में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रेंदन कर दिया है तो अगर आप इसके एडवांटेजेस बताओगे कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ऑब्वियसली आप इसको पॉलिटिक्स के साथ लिंक करोगे पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के साथ लिंक होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ अपने आप लिंक होगा तो जो भी पॉइंटर्स आपके उन क्वेश्चन में है वही पॉइंटर्स आपके इन क्वेश्चन में रहेंगे जिन्होंने स्नोप्सिस के नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो ऑलरेडी करके गए होंगे ये वाले क्वेश्चन क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हम सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं जो प्रीवियस ईयर મે પૂછે મે બલકી હમ વેસે ભી ટોપિક્સ કરવાતે હે પૂરા ache se નોટ્સ બને હે જિસમે આપકે પ્રોબેબલ ક્વેશ્ચન ભી રહેતે હે તો આપકા યે ક્વેશ્ચન તો સોલ્વ હો જાયેગા ઓર જિન લોગોને ખુદ સે પ્રિપેર કી હે ઉનકા ભી ક્વેશ્ચન સોલ્વ હોના ચાહીએ સંસાપ પોઈન્ટર્સ ઉઠા કે યહાં પર લિખ સકતે હો अटेम्पटेबल ક્વેશ્ચન હે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન હે ડિસ્ક્રાઇબ ધ કમ્પોઝિશન ઓફ ધ ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસ ડિસ્કસ ઇટ્સ વોલેન્ટરી જ્યુરિસ્ડિક્શન પેપર 2 યુનિટ 9 तो पेपर टू यूनिट नाइन में है यूनाइटेड नेशंस के बारे में इन विसाज रोल एंड एक्चुअल रिकॉर्ड स्पेशलाइज यू एन एजेंसीज एम्स एंड फंक्शनिंग नीड फॉर यू रिफॉर्म्स इसके अंडर आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दो हज़ार में पूछा था रोल ऑफ आई इन इंटर सेट डिस्प्यूट्स फिर 2006 में भी पूछा था सीधा ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में इन जनरल पूछा था तो ये क्वेश्चन आप नोट्स करके गए हो तो ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन आपको इन सब क्वेश्चंस में मिलेगा सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो इंट्रोडक्शन में लिखोगे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता क्या है उसके बाद आप लिखोगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कॉम्पोजिशन क्या है कौन लोग होते हैं इसके अंदर तो आपको कैरेक्ट्रिस्टिक्स आप लिखोगे रोल लिखोगे क्या रहता है इसका तो ये आपको जितने भी फिर आप कुछ केस स्टडीज़ भी मैंशन करोगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं सिनॉपसिस के करके गए हो अच्छे से तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व 2022 का कॉम्पोजिशन ऑफ आईसीजे तो आईसीजे के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2001 में भी पूछा गया कंपलसरी जीरोस्डिक्शन ठीक है आई का तो अगेन यहाँ पर वॉल्ट्री जोरेजिक्शन के बारे में पूछा गया है कंपलसरी जुरजडिक्शन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है नाइन्टीन नाइन्टी फाइव में ठीक है रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल कॉपरेशन नाइनटीन नाइन्टी टू में पूछा था आई के बारे में कंपलसरी जुरजिक्शन अगेन नाइनटीन नाइन्टी वन में अगेन वही सिमिलर क्वेश्चन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दो हज़ार छः का और नाइनटीन नाइन्टी वन का तो ये सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो नया क्वेश्चन नहीं है अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द राइज ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज अ ग्रेट पावर एंड इट्स इम्प्लीकेशनस ऑन एशियन पोलिटिकल ऑर्डर ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन ज़रूर है बट अगेन राइज़ ऑफ चाइना के बारे में बोला गया और एशियन पोलिटिकल ऑर्डर पर इसके क्या इम्प्लिकेशन्स रहेंगे पेपर टू यूनिट सेवन में ही आएगा राइज ऑफ सुपर पावर्स वगैरह जो पढ़ते हैं ना अब पेपर टू यूनिट सेवन है चेंजिंग इंटरनेशनल पोलिटिकल ऑर्डर अगेन ये जो राइज ऑफ सुपर पावर्स है पहला ही पॉइंट तो इसी में ही आएगा तो 2022 में ये पूछा गया था जब हमने कहा था कि डिस्कस करेंगे तो एग्जामिन द राइज ऑफ़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज अ ग्रेट पावर पार इम्प्लीगेशन क्या रहेंगे उसके एशियन पॉलिटिकल ऑर्डर पर ठीक है अब उसके उससे पहले भी 2018 में पूछा था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट एंड जीज़ चाइनीज ड्रीम ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स फिर 1992 का क्वेश्चन था चाइनाज़ मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स 1991 का पैक्स अमेरिका ना ठीक है बट चाइना सिंस राइज कर रहा है एज अ सुपर पावर तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आना आ, बहुत ही एक्सपेक्टेबल चीज़ है वो अब उसी से सिमिलर क्वेश्चंस कुछ और भी रिपीट हुए हैं जैसे 2020 का क्वेश्चन पूछा था क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ सीनो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक राइवलरी फॉर द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन ठीक है अगेन यहाँ पर भी आपके इम्प्लीकेशंस के रिलेटेड पूछेगा ठीक है उसके बाद आ, अभी आपका पूछा गया था आ, यहाँ पर था आपका क्वेश्चन यस yes, 1995 का था इकोनॉमिक डिटर्मिनेंस ऑफ चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी उसके बाद 1993 में भी पूछा था आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट माओ पीरियड तो यहाँ पर क्या है चाइना एज अ सुपर पावर जैसे राइज कर रही है तो उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आप क्या है उन्हीं क्वेश्चन को लाइन्स पर रखें कि अच्छा अभी ये टॉपिक uh, चल रहा है या ये कंट्री के बारे में अभी न्यूज़ में चल रहा है तो हमें उससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स uh, प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे तो सिंस अभी एज अ सुपर पावर चाइना को ज़्यादा देखा जा रहा है बहुत बात होती है न्यूज़ में भी रहता है टॉपिक्स तो ऑब्वियसली इसके रिलेटेड हम लोग uh, प्रिपेयर करके जाएंगे तो राइज ऑफ़ सुपर पावर्स में नोट्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बट हाँ इनडायरेक्टली तो क्वेश्चन है ही टॉपिक पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कंसेप्चुअल डायमेंशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी पेपर टू यूनिट सिक्स पेपर टू यूनिट सिक्स में टॉपिक का ही सबसे पहले तो सिलेबस का ही पार्ट है सिक्योरिटी एंड पावर में आएगा एंड देन कलेक्टिव सिक्योरिटी तो कलेक्टिव uh, सिक्योरिटी बहुत ही डायरेक्ट और सिलेबस के टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाया है तो इस टाइप से यहाँ पर पूछा गया है तो देख लेते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर काफ़ी बार पूछा भी हुआ है ओके okay. सो कंसेप्ट पॉलिटिक्स ट्रांसनेशनल एक्टर्स कलेक्टिव सिक्योरिटी इन पीस एंड वॉर इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में हमने ये क्वेश्चन लगाए हैं जैसे दो हज़ार बाईस का है कंसेप्चुअल डायमेंशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 2006 में क्वेश्चन पूछा था वेल एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अ गारंटी ऑफ वर्ल्ड पीस एक्सप्लेन उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सिक्योरिटी के ऊपर कलेक्टिव सिक्योरिटी हेरिटेज दो हजार में पूछा था कलेक्टिव सिक्योरिटी डिफेंस आर द इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट मकैनिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इलेबरेट फिर 2020 का भी क्वेश्चन था एन्यट द चैलेंजेस इन द ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल रिलेटेडिव सिक्योरिटी इन दू एन चार्टर तो कलेक्टिव uh, सिक्योरिटी पर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी गए हुए हैं क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एफिकेसी ऑफ ग्लोबल कन्वेंशन टू कम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म तो टेररिज्म के ऊपर पहले भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार भी एक क्वेश्चन आया तो सिमिलर टॉपिक पे टॉपिक रिपीट हुआ है बिल्कुल इनफैक्ट uh, सिलेबस का भी पार्ट है टॉपिक ठीक है तो बेसिकली ग्लोबल कन्वेंशन का क्या रोल रहा है और क्या उनका एडवांटेजेस uh, क्या रहते हैं ठीक है क्या बेसिकली उनका इम्पोर्टेंस है कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकने के लिए तो पेपर टू यूनिट इलेवन का पार्ट है ये अब यूनिट इलेवन में ऑलरेडी टेररिज्म यहाँ पर ये एक टॉपिक है ही ठीक है तो इसी वजह से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो डायरेक्ट सिलेबस के टॉपिक से ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है टेररिज्म तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कस दिएफी एफिकेसी ऑफ ग्लोबल कन्वेंशन टू कम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म फिर 2014 में देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है डू यू अग्री दैट द यू एन हेज़ फेल्ड टू कंटेन ट्रांसनेशनल टेररिज्म सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है एबरेट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स तो प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट हुआ है बस लैंग्वेज चेंज है अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम है Uh, उसके बाद 2012 में भी क्वेश्चन पूछा था इस टेररिज्म एन असेंशली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट व्हाट आर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ टेररिज्म एज अ कंसेप्ट एंड एज प्रैक्टिस 2011 में भी अगेन uh, टेररिज्म पर क्वेश्चन पूछा था और uh, फिर दो uh, हज़ार में भी टेररिज्म पर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो टॉपिक uh, रिपीट हुआ है क्वेश्चन रिपीट हुआ है इनफैक्ट बस लैंग्वेज चेंज हुई है क्वेश्चन भी रिपीट हो गया पूरा दो से अभी दो में पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यू टी ओ नेगोसिएशन पर पूछा गया आइडेंटिफाई एंड एवलएट द रीजन्स फॉर डेड लॉक इन द डब्लू टी ओ नेगोसिएशन ऑन फिशरीज़ बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज मतलब कि अभी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच का जो डेड लॉक हो गया है डब्लू टी ओ नेगोसिएशन में फ़िशरीज़ में तो उसके रीजन्स क्या रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है एवेल्युएट करना है तो पेपर टू यूनिट एट का पार्ट है ये अब पेपर टू यूनिट एट में ऑलरेडी एवोल्यूशन ऑफ़ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है फ्रॉम ब्रिटेन वुड्स टू डब्ल्यू टी ओ सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड सी एम ई ए दैन थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इन सब पे पूछा हुआ है तो डब्ल्यू टी ओ डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी सिलेबस का ही टॉपिक है डब्ल्यू टी ओ ठीक है तो क्वेश्चन देख लेते हैं दो हज़ार बाईस का क्वेश्चन आपको पता ही है ठीक है अब 2021 में भी डब्ल्यू पर क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की पोजीशन ऑन द वेवर ऑफ़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन कोविड नाइन्टीन वैक्सीन तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ये वाला टॉपिक जब भी आप प्रिपेयर करोगे ना ये पर्टिकुलर यूनिट तो आपको थोड़ा सा इस यूनिट में देखना पड़ेगा कि जो भी न्यूज़ में है टॉपिक्स तो वो वाले टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि उसी कंटेक्स में कुछ ना कुछ कहीं से लिंक बिठा के पूछा जाता है तो ये पर्टिकुलर यूनिट में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि 2021 में भी कोविड 19 के ऊपर पूछा गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के वेवर पर ठीक है तो कोविड 19 वैक्सीन के ऊपर एक पूछा गया था 2020 में भी पूछा गया था रोल ऑफ़ यू इन दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट मकैनिज्म एंड इट्स एम्प्लीकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ़ द डब्ल्यू तो काफ़ी हद तक आप यहाँ से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो बट अगेन ये यू के कंटेक्स में है वहाँ पर प्रॉपरली डब्ल्यू पूछा गया है इंडियाज कोल्यूशन डिप्लोमेसी विद द डब्ल्यू टी ओ हैज़ अर्नड इट वाइड हैज़ अर्नड इट वाइड अप्रिसिएशन वॉट अकाउंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिया कोलेशनल डिप्लोमेसी दो हज़ार अठारह क्वेश्चन है दो हज़ार सत्रह में भी दोहा राउंड ऑफ डब्ल्यू टी ओ नेगोसिएशन पर पूछा था डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ तो इसको आप रिलेट कर सकते हो इसके कुछ पॉइंटर्स होंगे वो आप 2022 में ऐड कर सकते हो बट अगेन देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं है बट हाँ पॉइंटर्स आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लेके और लिख सकते हो इसके लिए सिंपल मैं यही बोल सकती हूँ आपको अगर आपने करंट अफेयर प्रिपेयर किए हैं तो उसी से रिलेट करके टॉपिक पूछा गया है 2018 में भी पूछा था कॉन्स्टेंट ब्रेक डाउन इन डब्ल्यू टी ओ नेगोसिएशन सजेस्ट टू मैनी डिसअग्रीमेंट्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो ये सब क्वेश्चन की जितने भी पॉइंटर्स uh, आएंगे तो रिलेटेबल पॉइंटर्स हैं लिख सकते हो आप बट अगेन थोड़ा तो अलग आया है क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट है रियलिस्ट प्रिस्क्रिप्शन टू द स्टेट्स टू इंश्योर देर सर्वाइवल इन एन अनाकिकल वर्ल्ड ठीक है तो ये पेपर टू यूनिट फाइव ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑल दो पर पेपर टू यूनिट फाइव का क्वेश्चन है रियलिस्ट अप्रोच में ही ये क्वेश्चन डाला गया, तो, an तो गया है तो वट इज़ द रियलिस्ट प्रिस्क्रिप्शन टू द स्टेट्स टू एनश्योर सर्वाइवल इन एन अनारकिकल वर्ल्ड ठीक है तो अनारकिकल वर्ल्ड में सर्वाइवल के ऊपर पूछा गया है सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है तो कुछ पॉइंटर्स आप रियलिस्ट अप्रोच के ही उठा के यहाँ पर लिख सकते हो बट हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं है रिपीट हुआ हो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है डेफिनेटली तो कुछ आपको पॉइंटर्स यहाँ पर सोच के भी लिखने पड़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर रेपिटेटिव है और ऐसा लगता है कि जैसे करंट अफेयर्स जो है वो बिल्कुल नए आ जाते हैं ऐसा भी नहीं है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल नए आ जाते हैं बट करंट अफेयर्स भी रिपीट होते हैं तो ऐसा नहीं क्योंकि टॉपिक्स वही सिमिलर रहते हैं वही सिमिलर न्यूज़ रहती है अनलेस एंड अनटिल कोई बिल्कुल ही नई न्यूज़ आ जाए तो वो अलग बात हो जाती है कि जैसे इसी साल अगर कोई नई न्यूज़ आ गई है जो पहले कभी न्यूज़ में रहा ही नहीं टॉपिक तो उस पर आप बोल सकते हो कि हाँ ये नया क्वेश्चन आ गया बिल्कुल बट अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस काफ़ी टाइम से चल रहा है तो पेपर टू यूनिट सेवन में आपको ये मिल जाएगा रशिया यूक्रेन क्राइसिस हैज़ कास्ट अ डार्क शेडो ऑन द एनर्जी नीड्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन गॉर्मेंट तो यहाँ पर आर्म्स रेस में रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर आपको ये मिल जाएगा जैसे 2014 में भी क्वेश्चन पूछा था तो टॉपिक रिपीट हुआ है 2014 में भी क्वेश्चन नहीं पूछा था यूक्रेन क्राइसिस अ प्रोडक्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स कॉमेंट फिर 2012 में भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे पूछा है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आना बनता भी था और मैं काफ़ी लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस ज़रूर प्रिपेयर करके जाना क्वेश्चन अ उसमें आएगा ही आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में टॉपिक रहा है तो आप ऑब्वियसली प्रिपेयर करके जाओगे उसको ठीक है तो इसीलिए ये टॉपिक था न्यूज के अंदर था तो इतना ही था बस हम लोगों के लिए अभी आज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर टू सेक्शन बी का जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट है उसमें देखेंगे रेपिटेटिव क्वेश्चन जैसे कई लोग कहते हैं ना बहुत डायनामिक आता है पेपर बताने क्या पूछ लेता है नए क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स में सिर्फ क्या पूछ लेगा करंट अफेयर्स में भी टॉपिक्स मोरलैस सेम सिमिलर लेवल्स पर रहते हैं बस आपको थोड़ा सा उन्हीं सेम करंट अफेयर्स पे अपडेटेड रहना पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं है जैसे अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस बहुत टाइम से चल रहा है बट अभी जो नए अपडेट्स आए हैं आपको उस कंटेक्स में थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो न्यूज़ से हम थोड़ा सा तो ये रहेंगे टच में रहेंगे और टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल ही जाएंगे कि कितने टॉपिक्स आए हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर